नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हमारी प्राथमिकता, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आप कोर्ट क्यों गए और आपको क्या तकलीफ थी। अगर अध्यादेश जारी किया था तो संविधान के प्रारूप के अनुरूप था। ऐसा नहीं होता तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केटिंग हेड दीपक भरथी की रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, कोई तरफ से और तरफ की क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि वो 27% आरक्षण मिल जाना। क्या आप हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रोटेशन भी तो आरक्षण का ही होता है। एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण, मैं इस फर्क के बारे में बात में बोल। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछले वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को ब्रैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने चुनाव निकल लिया, परिणाम भी सामने आ गए, आप चुपचाप बैठे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, ना कैबिनेट डायट की, ना वकीलों के निर्णय के पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की, और उसका खामियाजा पिछले वर्ग को भुगतना पड़ा। आपके शासनकाल में एक भी नौकरी मिली हो तो बता दो, एक भी नौकरी मिली हो 27% आरक्षण के माध्यम से।